आज मैं आपको ना सिर्फ डिज़ाइंस दिखाऊंगा किचन के, बल्कि ये भी बताऊंगा कि आपकी जो जगह है उसके हिसाब से वहाँ पे किस तरीके का किचन होना चाहिए। चार पांच तरीके के किचन के बारे में बताऊंगा और एंड में आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको अपनी जगह कौन से वाला बनवाना है। पहले तरीके का किचन जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है पैरेलल किचन। अगर आप इकोनॉमिकली खेलना चाहते हो, मतलब आपका सस्ते में सबसे ज़्यादा स्टोरेज बन जाए, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वो किचन, सबसे ज़्यादा आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए, तो आपको पैरेलल किचन बनवाना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। अगर आपका 8 फीट का भी चौड़ाई का किचन है तो पैरेलल किचन वहाँ बन सकता है। दोनों काउंटर टॉप्स आपस में सामने एकदम पैरेलल चलते हैं। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई कॉर्नर नहीं है। जहाँ पे भी कॉर्नर बनता है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे पैसे खर्च होते हैं। और पैरेलल किचन में आप ऊपर की तरफ भी स्टोरेज अच्छे से निकाल सकते हो, यानी ये मोस्ट इफ़ेक्टिव किचन है, मोस्ट इकोनॉमिकल किचन है। बस हमें इतना सा ध्यान देना है कि जो दोनों काउंटर हैं उनके बीच में 4 फीट का गैप होगा, तो 2 से 3 लोग उसे आराम से यूज़ कर पाएंगे। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बनने वाला किचन वो एल शेप का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 रीज़न है इसके पीछे। नंबर 1, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इस जगह में ये बनेगा नहीं बनेगा, किसी भी जगह पे आप एल शेप का किचन बना सकते हो। और दूसरा, इंटीरियर डिज़ाइनर्स इसे सबसे ज़्यादा इसलिए बनवाते हैं क्योंकि इसमें किचन ट्रायंगल सबसे इफ़ेक्टिव बनता है। मतलब कि एक इमेजिनरी ट्रायंगल है जो सिंक है, फ्रिज है और हॉब है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं किचन में। अगर ये बिल्कुल पास पास होंगी तब भी दिक्कत है। सिंक के पास अगर आपका हॉब पड़ा है खाना कैसे बनाओगे? और ये ज़्यादा दूर दूर होंगी तो आपको बहुत दूर दूर जाना पड़ेगा सामान उठाने के लिए। ये पास भी ना हो ज़्यादा और दूर भी ना हो, यानी 4 फीट से 8 फीट या 9 फीट के बीच में है इनका डिस्टेंस, तो सबसे सही रहता है। और एल शेप की किचन में ये सबसे ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्टिवली निकल के आता है। जैसे जैसे रियल एस्टेट के दाम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे घर छोटे हो रहे हैं। इनफैक्ट एक ट्रेंड चल पड़ा है कि सामने से जो घर है बिल्कुल छोटा होता है फेस उसका, एलिवेशन और फिर लेंथ में होते हैं घर। तो ऐसे घर या ऐसे किचन्स जहाँ पे आपके पास लेंथ तो है, विड्थ बहुत कम है, वहाँ पे आई शेप के किचन बहुत इफ़ेक्टिवली काम करते हैं। सिंपली एक काउंटर है, लंबा काउंटर है, 12 से 12 फीट का अगर आपका काउंटर बन जाता है तो बहुत है अच्छा किचन निकल के आ सकता है, आपका काम अच्छा चल जाएगा उसमें। अगर आप बड़े किचन अफोर्ड कर सकते हो तो यू शेप और जी शेप के किचन काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। अगर आपका छोटा स्पेस है वहाँ पे यू शेप ना ही बनाओ तो बेटर है, क्योंकि वहाँ पे एक ही इंसान उसे यूज़ कर पाएगा, दूसरा इंसान उसे वहाँ पे ढंग से खड़ा होकर यूज़ नहीं कर सकता। अगर आपके बड़े किचन हैं तो गो फॉर इट, काफ़ी ट्रेंड में है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है, जस्ट गो फॉर इट। इन दोनों किचन्स में हमें एक और प्लस मिल जाता है, हमें ब्रेकफास्ट टेबल बनाने का एक ऑप्शन मिल जाता है साइड में। ब्रेकफास्ट टेबल्स की जो स्टूल्स होते हैं, बार स्टूल्स वहाँ यूज़ करते हैं नॉर्मली हम, तो उनकी जो हाइट होती है वो हमारी छोटी चेयर से थोड़ी ज़्यादा होती है। एक्चुअल में जब आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स ये डिसाइड कर रहे थे कि हम कौन सी हाइट पे एग्जैक्टली चेयर दें, टेबल्स दें ताकि वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो उन्होंने ये ध्यान रखा कि हैंडीकैप लोग या कहूँ स्पेशली एबल लोग जो हैं वो भी उन्हें यूज़ कर पाएँ। तो हमारी जो नॉर्मल चेयर्स होती हैं, सो कॉल्ड नॉर्मल हम जिन्हें कहते हैं, वो एक्चुअली डिज़ाइन थी हैंडीकैप या स्पेशली एबल लोगों के लिए, जिन्हें हम इतने यूज़ कर चुके हैं कि हमें अब वो नॉर्मल लगती है। एक्चुअल में जो हमारे लिए सही हाइट थी वो बार स्टूल्स की थी। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे ना बार स्टूल्स को, तो आपको जो नॉर्मल चेयर्स हैं वो थोड़े टाइम में अनकंफर्टेबल फील करवाने लगेंगे। अगर आपका बजट और स्पेस दोनों अलाउ करें तो जी शेप और यू शेप के बीच में एक और टेबल लगा के उसे आइलैंड किचन में कन्वर्ट किया जा सकता है। दीज आर द टाइप ऑफ किचन्स जो आजकल सबसे ज़्यादा लैविश लगती हैं, सबसे ज़्यादा फैंसी लुक देती हैं और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हैं, क्योंकि हमारा जो काउंटर है वो बड़ा हो गया है। ऑब्वियसली आपको चॉपिंग करने के लिए जगह मिल गई है, पता नहीं क्या क्या आप किचन में करते हो वो सब कुछ करने के लिए आपको और जगह मिल गई है, स्टोरेज बना सकते हो, कुछ भी। सो दीज आर द थिंग्स जो आप ध्यान रखो जब आप डिज़ाइन कर रहे हो अपने किचन को, अगर अपने आप से कर रहे हो, अगर कोई इंटीरियर डिज़ाइनर है ध्यान रखेगा ही, लेकिन अगर आप खुद कर रहे हो तो अपने स्पेस के हिसाब से ध्यान रखो। नंबर 1, 4 फीट का गैप रखो एटलीस्ट दोनों काउंटर्स के बीच में, और डिपेंड करता है आपके स्पेस के ऊपर उसी के हिसाब से ही उसे डिज़ाइन करो। किचन ट्रायंगल का ज़रूर ध्यान रखना, हॉब सिंक और
जो फ्रिज है वो 4 फीट से कम दूरी पे भी ना हो और 8-9 फीट से ज़्यादा दूरी पे भी ना हो। अगर ये ध्यान रखते हो तो आपकी किचन अच्छे से डिज़ाइन होगी। और हाँ, किचन ट्राइंगल के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। इन तीनों चीज़ों के बीच में अगर आपका कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आपको घूम घूम के जाना पड़ेगा और आप थक जाओगे। आई होप इट सम्स अप ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो होपफुली। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।